जय श्री राम। क्या हुआ जब इराक में खुदाई के दौरान मिली भगवान राम और भक्त हनुमान जी की 6000 साल पुरानी प्रतिमा? अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और राम कथा की वास्तविकता और सार्थकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर इराक में कुछ ऐसा हुआ जिसने ये प्रमाण दिया कि भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की कथा सत्य है। हाल ही में मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के सिलेमानिया इलाके में मौजूद बैनुला बाईपास के पास खुदाई में भगवान राम और हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमाएं पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं के पाए जाने की पुष्टि खुद इराक सरकार ने भारत द्वारा इस मामले पर मांगी गई जानकारी के जवाब में पत्र लिख कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान सरकार के पुरातत्व विभाग का दावा है कि ये प्रतिमाएं करीब 6000 साल पुरानी है। प्रतिमाओं के मिलने के बाद भारत सरकार ने भी इन प्रतिमाओं से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने भी खास तौर पर अयोध्या शोध संस्थान ने इन प्रतिमाओं पर शोध करने की जरूरत बताई है। इराक सरकार ने पत्र लिखकर भारत सरकार को दी जानकारी में ये बताया कि खास तौर पर उन्होंने भारत को इस बात के लिए आमंत्रित किया है कि आप आकर इस मामले की तहकीकात भी कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शोधकर्ताओं का दल इराक पहुंचकर भगवान राम से जुड़े और तथ्यों की तलाश करेगा। प्रतिमाओं के मिलने से भगवान राम का अस्तित्व और पुख्ता होता नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर देश के लिए ये खुशखबरी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में किस तरह से फैली हुई है इस बात पर रिसर्च होगी। अयोध्या के संतों ने कहा कि जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं उनके गाल पर ये एक तमाचा है। ये खबर जब अयोध्या पहुंची तो संतों की खुशी बहुत देखने लायक थी। अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि इराक में भगवान राम की प्रतिमा मिली है। भारत के दायरे में ईद विश्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इराक ही नहीं अन्य देशों में भी भगवान राम के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। वहीं बहुत से लोगों ने यह दावा भी किया है कि ये जो मूर्ति पाई गई है ये एक सत्य है। भगवान राम भ्रमण भी करते थे, ऐसे में ईरान में मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। देखना ये होगा कि जल्द ही प्रतिमा मिलने पर क्या उसमें शोध किया जाता है और किस तरह से हमारी संस्कृत विभाग की टीम किस तरह से शोध करती है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।